भाई आपके लिए चाय निकाल दूँ? हाँ ये लीजिए। नूरी, तुम भी आओ, हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। जी हाँ, बैठो ना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नूरी, तुम इतना काम कर लेती हो घर का, मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। भाभी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये मेरा अपना ही घर है। वो सब तो ठीक है नूरी कि तुम घर के कामों में निशो का हाथ बटाती हो, लेकिन तुम थोड़ा बाहर जाना भी शुरू करो। हाँ, बाहर निकलोगी, माइंड फ्रेश होगा, लाइफ में चेंज आएगा तुम्हारे। बल्कि काम करते हैं, आज रात को हम तीनों डिनर पे चलते हैं। जी, नौशाबा का हाथ नहीं बटाती, सारा घर का काम खुद करती है, पूरा घर इसने संभाला हुआ है। नूरी जो कुछ करती है अपनी खुशी से करती है, अपनी मर्जी से करती है। अब आप इन दोनों के दरमियान भी कोई लड़ाई करवाना चाहती हैं? हाँ बेटा, क्योंकि मेरा तो और कोई काम नहीं है ना दुनिया में, बस फसाद, हप्पे कुटनी हूं ना मैं, लोगों के बीच में लड़ाइयां करवाती हूँ। अब आप मुझे सुकून से नाश्ता करने देंगी या वो भी मैं बाहर जाके कर लूं? नहीं, क्या हो गया है आंटी, आमिर को वैसे इतना कम टाइम मिलता है घर में, कम से कम नाश्ता तो सुकून से करने दे। आप बिना बच्चे इतने गिले शिकवे। मैं शायद अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम भी किसे समझा रही हो निशो? उन्हें आज तक कभी समझ आई है? अम्मी, आपको क्या लगता है, आपने जो फैसले आज तक किए हैं वो ठीक रहे हैं? नहीं, आप ही के फैसलों की वजह से आपकी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अम्मी प्लीज, अम्मी थोड़ी समझने की कोशिश करें आप। सारी दुनिया गलत है, सारी दुनिया झूठी है, एक आप ही ठीक है। अम्मी क्या हो गया तुझे आमिर, इतना वजन है, तुझे कोई अंदाजा है कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ? पहले नासिर थे, नासिर के बाद तू ही तो मेरा सहारा था, लेकिन तूने भी पल में गैर कर दिए। तू मुझे बता, मैं अपने दुख किसके साथ बांटूं? अम्मी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप भी ना वक्त देखती हैं और ना मौका। जब होता है आप भाई से शिकवे शिकायतें लेकर बैठ जाती हैं। क्या आपने आज तक उनसे प्यार से बात की है? अगर आप अकेली हो गई हैं, तो भाई भी तो अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है नूरी, आमिर मुझे माफ कर दे। मियाँ, मुझसे माफी मत मांगे, आप माँ है मेरी, मैं बेटा हूं आपका, मैं कौन होता हूं आपको माफ करने वाला? लेकिन हाँ, अगर आप माफी मांगना चाहती हैं तो उनसे मांगे जिनकी आप गुनहगार हैं। ताया जी के बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, हमें उनकी बहू को तलाक हो गई। अगर आपने माफी मांगनी है अम्मी, तो खुदा से मांगे। और देखिएगा अम्मी, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा, मेरी दोनों बहनों की जिंदगियां सही हो जाएंगी, उनकी अच्छी जगह रिश्ते हो जाएंगे। अम्मी प्लीज, अम्मी तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगी, बस मुझसे नाराज मत, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा। अरे आप रो क्यों रही हैं? आई एम सॉरी, आपको मेरी बात बुरी लगी है, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन प्लीज आप ऐसे रोया मत करें। देखिए, आप जानती हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बड़ी ड्रामेबाज है बड़ी भी, मगर इनके ड्रामे का ड्रॉप सीन मैं ही करूंगी। पानी दो। ठंडा बस 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 एक बात का बच्चा है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा बेटा मुझसे मत्सर। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं आप प्लीज गलत समझ रही हैं मुझे। देखिए, नहीं होगा ना ऐसा। जैसा तू चाहेगा वैसा होगा। अच्छा, वैसे कर ठीक है, आज हमारे साथ चलेंगी आप पानी पे। हाँ चल, ये पानी दो, ये नहीं। अरे ठंडा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ठंडा लेके आऊंगी।